भारतीय राजनीति में फिलहाल जो विपक्ष है उसका कुछ नहीं हो सकता। पहले लगा था कि वो बेरोजगारी पर एकजुट होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर लगा कि महंगाई पर एकजुट होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर लगा कि बीजेपी की सत्ता को उखाड़ने के लिए एकजुट होगा, लेकिन नहीं हुआ। और हाल के दिनों में भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई और जिस तरह से विपक्ष ने उस पर सवाल उठाकर संसद को ठप लगा, उससे फिर लगा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और पूरा का पूरा विपक्ष फिर से अडानी के मुद्दे पर भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 24 जनवरी 2023 वो तारीख थी जब भारतीय कारोबारी और तब दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर शख्स रहे गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की 106 पन्नों की एक रिपोर्ट आई। इसमें गौतम अडानी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर लगातार गिरते गए और वो अमीरों की लिस्ट में दूसरे पायदान से खिसक कर 22वें पर पहुंच गए। हालांकि बाद में वो संभले और अब जब मैं आपको ये बता रहा हूं तो वो दुनिया में अमीरों की लिस्ट में 17वें पायदान पर पहुंच गए हैं। इस बीच संसद का बजट सेशन भी शुरू हो गया। 1 फरवरी 2023 को बजट पेश हुआ। इसके बाद कायदे से होना तो ये था कि संसद सत्र में बजट पर चर्चा होती, लेकिन विपक्ष ने अडानी के खिलाफ आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हंगामा कर दिया। जेपीसी की मांग होने लगी और कहा जाने लगा कि इस मामले को या तो संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा जाए या फिर इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में करवाए। 1987 से आज तक 9 जेपीसी लगभग हो चुके हैं, तो जेपीसी की मांग करना ये कोई नाजायज है क्या? हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने साफ इनकार कर दिया, कहा कि गौतम अडानी के खिलाफ आई रिपोर्ट का सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। इसके बाद विपक्ष के कुछ नेताओं ने एक दो दिन हंगामा किया और फिर वो गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर आपस में ही उलझ गए। और इसकी शुरुआत की कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को चुप रहने के निर्देश मिले होंगे। मुझे लगता है कि अडानी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है, ताल्लुकात है, क्योंकि बंगाल में एक ताजपुर बोल के एक पोर्ट बन रहे हैं और अडानी जी के साथ ममता जी की आजकल काफ़ी रिश्ते में काफ़ी बदलाव आए हैं। सिर्फ अडानी जी से नहीं, मोदी जी से भी आया, इसलिए ममता बनर्जी आजकल ना मोदी जी के खिलाफ और ना अडानी जी के खिलाफ जिस तरीके से रवैया, जिस तरीके से रुख अपनाना ममता जी की अपने राज सियासत में एक शैली बनते थे, उनको हम लोग बंगाल में कहते कि फाइटर अग्निकन्ना, तो अभी ठंड पड़ गए। मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते और अडानी जी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलते। फिर जवाब टीएमसी ने भी दिया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कह दिया कि टीएमसी तो इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस संसद चलने ही नहीं दे रही है कि चर्चा भी हो सके। लेकिन विपक्ष में भिड़न सिर्फ कांग्रेस और टीएमसी के बीच ही नहीं है। 6 फरवरी को यह तय हुआ था कि विपक्षी पार्टियां संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल होंगी, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी और के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस ने इसका विरोध कर दिया और इतना हंगामा किया कि संसद फिर से ठप हो गई। और यह सब हुआ सिर्फ इस वजह से कि कांग्रेस, आप और शिवसेना जैसी पार्टियां चाहती हैं कि अडानी मामले की जांच जेपीसी से करवाई जाए, जबकि टीएमसी के साथ ही लेफ्ट पार्टियों का कहना है कि जेपीसी का कोई फायदा नहीं है और इस मामले की जांच तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही होनी चाहिए। और विपक्षी पार्टियों की इसी फूट का सीधा फायदा मिल रहा है सरकार को। उसने सीधे तौर पर इस पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि अब सरकार को भी पता है कि विपक्षी एकजुट नहीं है तो होगा क्या। हालांकि विपक्ष के एकजुट न होने की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस और उसकी अखिल भारतीय स्तर पर शिनाख्त है, जो दूसरी किसी भी विपक्षी पार्टी के पास फिलहाल नहीं है। जो टीएमसी कांग्रेस का विरोध कर रही है वो पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी होने के अलावा थोड़ी बहुत पूर्वोत्तर के राज्यों और गोवा में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा पंजाब में सत्ता में है
और गोवा उत्तराखंड में वो चुनाव लड़ चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर भले ही बीआरएस कर लिया हो, लेकिन अब भी वो तेलंगाना तक ही महदूद हैं। बसपा मुखिया मायावती भी कांग्रेस के साथ नहीं है, जो नंबर गेम के हिसाब से तो यूपी में भी कहीं की नहीं रह गई हैं। ऐसे में विपक्ष में अभी तो फिलहाल कांग्रेस ही ऐसी इकलौती पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती दे सकती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हैं। अब टीएमसी फिलहाल कांग्रेस के साथ इसलिए भी खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उसे त्रिपुरा और मेघालय में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ना है। इसलिए अगर वो अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ दिखती है तो उसे विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में जो विपक्ष गौतम अडानी के मुद्दे पर एकजुट हो सकता था, जो विपक्ष एक साथ सत्ताधारी बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर सकता था, जो विपक्ष इस एक मुद्दे पर विपक्षी एकता का संदेश देकर 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल बना सकता था, वो आपसी खींचतान में ऐसा बिखर गया कि 2024 में विपक्ष की तस्वीर अब लगभग लगभग साफ हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।